मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए जो कि सारा खुद खाऊं। आज वो मुझे फिर मिले और हर मर्तबा की तरह मैं आज भी उससे कोई बात नहीं कर सका। उसका पसंदीदा केक भी कैरमल एप्पल केक है और किरण ने तो स्पेशली वो केक मेरी वजह से बनाना सीखा था। किस कदर एक जैसी हैं दोनों। लेकिन नहीं, इतनी भी एक जैसी नहीं है। किरण हमेशा अपने बालों को कोई कट दे के रखती थी और ज़्यादातर खुले छोड़ती थी, मगर इसके बाल तो लंबे हैं और ये हमेशा उनको बांध के रखती है। आओ बेटा आओ। मामा, मामा मुझे कुछ बात करनी है हम दोनों से। बोलो बेटा। कंपनी मुझे आउट ऑफ सिटी भेज रही है। मैं सोच रहा था रूमी को भी साथ ले जाऊं। आहिल थोड़ा बड़ा हो गया है। वीकेंड पिकनिक जैसा प्लान किया है कंपनी ने, तो बहुत अच्छी बात है। रूमी भी घूम लेगी और वैसे भी आहिल तो आप लोगों को तंग नहीं करता। मैंने रूमी से बात नहीं की है, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, चल। थैंक यू। इतना बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, अभी तक इसका बचपना नहीं गया। सादतन बेटा है ना, बाप पे गया है। ये आपने क्या किया? इतना छोटा सा आयल और आप उसे शहर से बाहर भेज रही हैं। कंपनीज में मीटिंग्स होती रहती हैं, आपके हर मीटिंग में भाभी साथ जाएंगे। अरे बेटा, यही तो दिन है उन दोनों के घूमने फिरने के। फिर आहिल का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस बेचारी को कहाँ मौका मिलेगा कहीं जाने का। और वैसे भी तुम्हें क्या मसला उनके जाने से? नहीं, मैं भाभी के लिए परेशान हो रही हूँ कि उनको आहिल को अकेले संभालने में प्रॉब्लम होगी। अरे बेटा, जब खुदा माँ बनाता है ना तो सब तरीके सिखा देता है। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है किसी किस्म की रोक टोक करने की। कहीं रूमी ये ना समझे ना कि मैं उस पर पाबंदी लगा रही हूँ। आप ठीक कह रही हैं, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके, ख्याल रखना अपना और गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। ओके। ताहिर साहब कहाँ हैं? मैम वो लंच के लिए गए हैं। लीजिए, आ गए। जी मैम। अगर आपको फालतू कामों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा काम पर भी ध्यान दे दीजिए। लेकिन मैम, मैं तो अपना काम वक्त तक कर लेता हूँ पूरा। और रियली, तो फिर ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट क्यों है?